पंचायत चुनाव में कई जगहों पर बाल बालाओं के डांस के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि अपने ग्रामीण वोटरों को लुभाया जा सके, लेकिन इस डांस के साथ कुछ ऐसी भी बातें हो रही हैं जो इस चुनावी माहौल में नहीं होनी चाहिए। जी हां, समस्तीपुर जिले के चंदौली पंचायत में बाल बालाओं के डांस के साथ हवा में गोलियां चलाई जा रही है। हद तो तब हो गई जब पिस्टल उन डांसरों के कनपट्टी पर रख दी गई। ऐसे में उस डांसर की क्या हालत रही होगी यह समझा जा सकता है। गनीमत यह रही कि इस दौरान पिस्टल से गोली नहीं चली। अब इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया है मीडिया के द्वारा। जब सदर डीएसपी को इस बात की सूचना दी गई तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से ही प्राथमिकी दर्ज करने की बात कह डाली, लेकिन वायरल वीडियो पर कार्रवाई करने की बजाय उन्होंने आवेदन देने को कहा। उस बात की जांच कराएंगे हम लोग, उसकी जांच होगी कि वो वीडियो वाकई में वैनी का है, चंदौली का है, चंदौली जो हमारे यहाँ वहाँ का है कि चंदौली उत्तर प्रदेश का है। वो तो बाद की बात है, वो तो जाँच का विषय है। अगर कोई आवेदन हमको प्राप्त होता है तो उसको हम लोग जाँच जरूर करेंगे, ठीक है। वहीं मुखिया निशा देवी ने इस मामले का खंडन करते हुए कहा कि ये वीडियो 4 साल पुराना है और वीडियो में जो हथियार है वो खिलौना वाला पिस्टल है। इस चुनावी माहौल में मेरी छवि धूमिल करने के लिए हमारे विरोधी ऐसा कर रहे हैं ताकि मेरी छवि धूमिल हो जाए। उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है। चाहे कुछ नहीं है, वो झूठ है। अभी इलेक्शन चल रहा है इसीलिए लोग सब जो है झूठा वीडियो वायरल कर रहे हैं। इस सच नहीं है। गांव में हुआ था एक तो मुंडा, उसी में सिगरेट जलाने के लिए वो पिस्टल की तरह रहते हैं लाइटर, वो हाथ में ले लिए थे, जनता वायरल कर दिए। ये 4 साल पहले पुराना है। माना चाहते हैं कानून जांच कर रहे हैं, अगर सच हुआ तो उन पर कार्रवाई होगा, अगर सच नहीं हुआ तो अगर हमें उन पर भरोसा है कानून पे, वो देखते हैं अभी जांच कर रहे हैं। वैसे आपको नहीं भरोसा है तो आप जाके जनता से पूछिए हमारा देवर कैसे हैं, हम लोग कैसे हैं, मेरा क्या छवि है। काफ़ी विकास किए हैं, जाके देख लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, जनता से भी पूछ लीजिए, अगर कहीं गलत है तो आगे संवारेंगे हम लोग।